जो मेरा स्टूडियो है उसमें ना जैसे 6 बजेंगे शाम के, तो वो हर मिनट चेंज होता है। मेरी सोच आगे भागना बंद कर देती है, रुक जाती है, मैं अपने ऑफिस स्टिल हो जाता हूँ। जैसे हमारे टेप रिकॉर्डर में बटन होता है ना पॉज का, तो मैं ऊपर आके मैक्सिमम टाइम पॉज रहता हूँ, कई कई घंटे बैठा रहता हूँ। शाम को और मज़ा आता है उसके अंदर, रात को और मज़ा आता है। सवेरे कभी एक बार योगा करने आ जाऊँ, वहाँ पे मेडिटेशन करने बैठो तो और मज़ा आता है। तो अलग, अब वो अलग तरीके का स्पेस है, मैं ही हूँ वहाँ पे, वही चल रहा है, सारी वो फ्लो ही चल रहा होता है, हवा चल रही होती है मेरी। मैं तो फार्मर हूँ, मतलब लोग आर्टिस्ट कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन मैं फार्मर हूँ। कि जैसा नेचर है, जैसी बारिश हो रही है, जैसा सोच रहा है आदमी, जैसा खुशबू आ रही है, वैसे ही काम करना है। जैसे उस वक्त जैसे कुछ सोच लिया वो बना दिया। आर्ट तो क्या है, देखो कोई 100 पेज या 200 पेज की किताब तो है नहीं, और आर्ट एक शॉर्ट नोट है जो हम बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको तो पढ़ने में आ जाए। हर पेंटिंग हर एक के लिए नहीं होती। मैंने जो सोच के बनाया है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो मैं बताऊंगा तो आप कन्विंस भी नहीं होंगे। आपको देख के अगर आपको उसमें से कुछ रिसीविंग हो रही है, आपके साथ वो चल रही है पेंटिंग, और आपके साथ अगर कुछ एस्थेटिक्स नहीं, मतलब रुकी भी नहीं है और आपके साथ चल रही है, आपके विचारों के साथ चल रही है, और अगर पेंटिंग आपने घर पे लगाई और वो आपसे अलग अलग तरीके के रोज़ सवेरे उठते अलग तरीके के आपके मूड के हिसाब से आपसे बात कर रही है, या आपसे क्वेश्चन कर रही है, आपसे प्रश्न भी कर रही है और आपको उत्तर भी दे रही है, तो वो पेंटिंग आपकी वही पेंटिंग व्यूअर्स के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नीचे, नाम से नहीं, काम अगर आपको जोड़ रहा है तो वही सबसे बड़ी चीज़।